यहाँ निकल छे 10 बजे तक वहाँ निकल अंदर अंदर से लोग अंदर से है से जीवो के साथ जो नाता जुड़ा हुआ उसको निभाने के लिए दरभंगा सिटी से हम कितनी दूर आ चुके हैं दोस्तों, उनसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने छोटा सा प्रयास किया बेजुबान जीव की जान बचाने का। बोलिए तो सर ये कौन सा जिला है? दरभंगा जिला सिकारा गाँव। दरभंगा से कितना दूर होगा? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दोस्तों, दरभंगा से 35 किलोमीटर की दूरी पे और गाँव का नाम है जोगियारा। दोस्तों यही एक घर के बगल में जो है पुराना घर है, ब्रिटिश के टाइम का है, बहुत पुराना घर है, खपड़ा वाला घर है। दोस्तों उसी में जो है दो स्नेक देखा गया है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि कोबरा है दो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं कौन सा सांप है, नजरें जमाए रखिए क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लीज कम देख सकते हैं दोनों इंडियन रेड स्नेक जो है सही सलामत रेस्क्यू हो चुका है दोस्तों, काफी मेहनत करने के बाद। दोस्तों एक कहावत है कि मेहनत करने वाले का कभी हार नहीं होता दोस्तों, तो वीडियो बने रहिए दोस्तों। इस सांप के बारे में थोड़ा बहुत जागरूक करना चाहिए, सांप को काटने से हार मारने से होता क्या, तो वीडियो बने रहिए प्लीज। कहाँ मछली हुआ है? जंगल दोस्तों ऐसा अद्भुत नजारा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। एक ही जगह जो है मेल और फीमेल जो है एक ही जगह काफी सालों से रह रहा था दोस्तों। दोस्तों इस घर में तो रहते नहीं है लेकिन देख सकते हैं कुछ सामान इस घर में रखा हुआ है, लेकिन रहते हैं बगल में ही रहते हैं, तो कभी भी जो है ये घर में जा सकता है क्योंकि घर में होता है अनाज, अनाज के चक्कर में चूहा चूहा उठाने के लिए सांप अक्सर हमारे घरों में घुस जाता है। चलिए चलिए दोनों रेड स्नेक है, दोनों धामन है, मेल फीमेल एक ही जगह रह रहा है, मेल फीमेल है दोनों, है धामन धामनिया है, काटे का ना ये काटे धोरी है ये भी सांप काटता है लेकिन उसके काटने से कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल नॉन मैन में से। हाँ ले जाकर छोड़ दे, आप लीजिएगा तो आप ही ले लीजिए, हम तो पकड़ दिए। दादा
दोस्तों आप देख सकते हैं इसी को इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, अपने बिहार के भाषा में ये जो है धामन सांप के नाम से जाना है। दोस्तों इसको घोड़ा पछार भी बोला जाता है क्योंकि ये घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने का क्षमता रखता है। दोस्तों एक ही घर में दोनों मेल फीमेल रह रहा था, कभी भी जो है दुर्घटना हो सकता था, खतरा बन सकता था, क्योंकि सांप के बारे में जानकारी न रहने के कारण इस सांप के भी काटने से आपको आपकी जान जा सकती है हार्ट अटैक से। दोस्तों ये सांप के बारे में अंधविश्वास है कि इसका पूंछ आपके शरीर में कहीं पे भी लग जाता है तो आपका शरीर सूखने लगता है। और दूसरी कहानी ये है कि घर में अगर ये है तो गर्भवती महिला अगर घर में है और ये सांप है तो उसका पैर छान के या जानवर का पैर छान के दूध पी जाता है। दोस्तों जबकि बिल्कुल अंधविश्वास है, इसके पूंछ में कुछ नहीं है, अगर ये पूंछ मार भी देता है तो इससे कुछ होता नहीं है, शरीर सूखता नहीं है और इसके काटने से भी कुछ नहीं होता है। और दुनिया का कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता है क्योंकि भगवान इसके अंदर एंजाइम सिस्टम नहीं दिया हुआ है। अगर ये दूध पीता है तो 6 से 7 घंटे में इसकी जान चली जाएगी। ये भी सांप काटने के बाद हार्ट अटैक से इंसान की मरे ना है अच्छा उठा दीजिए, लोग सब देख रहा है, कह रहा है, आवाज आता है जुआ तो अपना बात कह रहा है पाक साधक जो गया कि हम बोल रहे हैं उठाने के लिए बाहुबली होगा। दोस्तों जब भी इसको खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत बाइट कर लेगा। अगर इसको थोड़ा भी हम दाब देंगे तो अभी मेरे हाथ पे ये काट लेगा। ये बहुत ही आराम से इसको पकड़े हुए हैं, ये हमारा ट्रेनिंग है, पढ़ाई है। आप भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा देख करके, नहीं तो मारे जाइए। दोस्तों वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि दूर दूर तक जो है सांप को इंसान को सांप से बचाया जाए। अगर पर्यावरण को बचाना है तो ये सांप को बचाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये अगर जीवित है धरती पे तो हम भी जीवित है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। दोस्त ये कौन सा विषैला है, कौन सा बगैर विषैला है, जब भी आपकी जान बचेगी। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो 100% आप भी जान जाएगी। हाँ भाई, इधर तो समझ आता है कि काटो तो गोमन काटेगा।